Good evening. Good evening to everyone. गुड इवनिंग दोस्तों. जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो हमें दुनिया भर में जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है वो हमें दो रूपों में नज़र आते हैं. एक वो जो कहते हैं कि हम इंटेलिजेंस को माप सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस को मेज़र किया जा सकता है. दूसरे वो हैं जो कहते हैं हम इंटेलिजेंस को नहीं माप सकते, यानी मेजर नॉट, यानी नहीं माप सकते, यानी मेजर नहीं किया जा सकता. अगर हम इस डिवीज़न के आधार पे देखें तो हमने सबसे पहले जिन्हें थियरी वाइज समझना चालू किया है वो सब वो हैं जिन्होंने कि कहा कि हम इन्हें माप सकते हैं, यानी इंटेलिजेंस को मापा जा सकता है. क्योंकि इंटेलिजेंस के केस में सबसे शुरुआत में जो थियरीज आई, दे आर नॉन एज साइकोमेट्रिक थियरीज. तो साइकोमेट्रिक थियरी क्या होती है, जिसमें हम मापन करते हैं. इस थियरी के अंदर हम जनरली संबंध देखते हैं, यानी कोरिलेशन. अब इस कोरिलेशन को करने के लिए या तो आपको कोरिलेशन देखना है, फैक्टर एनालिसिस करना है, और इसी तरीके की एक थ्योरी दी लुई लियोन थर्स्टन ने. लुई लियोन थर्स्टन की जो थ्योरी है उसकी शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि चार्ल्स स्पीयरमैन अपनी थ्योरी देते हैं और इस थ्योरी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते लुई लियोन थर्स्टन. इसलिए उन्होंने इसका 1937 में एक क्रिटिक किया. सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, जब उन्होंने क्रिटिक किया, यानी उन्होंने इसकी आलोचना की. चार्ल्स स्पीयरमैन के सबसे बड़े आलोचक थे थर्स्टन. थर्स्टन ने उनकी आलोचना की और कहा कि ये जो संबंध है स्पेसिफिक और जनरल का, ये सही नहीं है. हम इस रिलेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम चार्ल्स स्पीयरमैन से थर्स्टन का और थर्स्टन से फिर गार्डनर का एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे. हालांकि यहाँ पे जब इन्होंने आलोचना की तो बाद में इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा, तो फिर आप क्या सोचते हैं? आप ये तो कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो और एक जनरल फैक्टर है, तो फिर आप क्या सोचते हैं? जब इसकी बात आई तो इन्होंने जो थियरी प्रपोज की 1946 में, दैट इज कॉल्ड समूह कारक सिद्धांत, यानी ग्रुप फैक्टर थियरी. आज हम इसी ग्रुप फैक्टर थियरी की बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इसमें हम ग्रुप फैक्टर थियरी की बात नहीं करने वाले, बल्कि लुई लियोन थर्स्टन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं और जो भी समस्याएं आती हैं आपको समझने में, हम सबका जिक्र करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. थर्स्टन ओरिजिनली रिसीव्ड अ मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ही वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर. जब भी आप ये शब्द समझे ना, इंजीनियरिंग, तो आप समझ लीजिएगा कि उस बंदे के बेसिक थॉट में मैथमेटिक्स बसा हुआ है, फिजिक्स. चाहे वो किसी भी चीज़ का इंजीनियर क्यों ना हो, बट बेसिक थॉट में उसके फिजिक्स बसा हुआ है. ठीक है ना? तो इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1912 में ये कोर्स किया था थर्स्टन ने, और 1952 में he established the L.L. Thurston, yani Louis Leon Thurston, Psychometric Laboratory at the University of North Carolina, Chapel Hill. तो बाद में इन्होंने साइकोमेट्रिक के लिए एक लेबोरेटरी भी इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में, लुई लियोन थर्स्टन के नाम से, और इसके 3 साल बाद ही इनका निधन हो गया 1955 में, राइट। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक्स, जिसे आप साइकोमेट्रिक्स आज की डेट में कहते हैं, उस साइकोमेट्रिक्स की का बेस, साइकोमेट्रिक्स को बाहर लाने वाले, साइकोमेट्रिक्स की इस्टेब्लिशमेंट करने वालों में से एक थे थर्स्टन। थर्स्टन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आईक्यू स्कोर। तो जब आप स्टैंडर्डाइज्ड मीन की बात करते हैं तो उस स्टैंडर्डाइज्ड मीन को साइकोमेट्रिक्स में किस तरीके से यूज किया जाए, इसका काम किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि दो मीन स्कोर, अगर एक ही ग्रुप में आप अगर दो डिफरेंट ग्रुप बना दें, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम के अंदर आपने 50% मार्क्स से ऊपर वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और 50% से नीचे वालों का एक ग्रुप बना दिया, इन दोनों का मीन स्कोर अलग अलग होगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा जिसे कहते हैं विचलन, यानी कि डिविएशन, ये कार्य इन्होंने किया। सो ये used today as opposed to the intelligence test system originally used by Alfred Binet. Alfred Binet ने जो यूज़ किया था उसके अलावा इस मेथड का डेवलपमेंट किया गया। He is also known for the development of Thurston scale. What is Thurston scale? We will talk about that. Theory of primary mental abilities Thurston ने दी थी। Developed the statistical technique of multi फैक्टर एनालिसिस। याद रखिएगा मल्टी फैक्टर एनालिसिस का जो फैक्टर एनालिसिस सबसे शुरुआत में किसने दिया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। और मल्टी फैक्टर एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लुई लियोन थर्स्टन। हाँ, सभी को नमस्कार। चलिए, सो थर्स्टन स्केल, व्हाट इज थर्स्टन स्केल? डेवलप्ड बाय लुई लियोन थर्स्टन इन 1928, the Thurston scale was the first formal technique used to measure attitude. Attitude को measure करने का सबसे पहला तरीका था। अभी बात करेंगे इसके बारे में और बेहतर तरीके से। बस यहाँ पे ये समझ लेना है आपको कि अलग अलग प्रकार के लोगों के अंदर attitude यानी कि उनकी प्रतिभाएं होती हैं, और उन अभिवृत्तियों या प्रतिभाओं को एक स्केल पे दिखा करके और उस किसी का attitude मापना, ये कार्य किया था थर्स्टन ने, राइट इन्होंने यूनिफैक्टर यानी कि बिने और टू फैक्टर थियरी ऑफ स्पीयरमैन, इन दोनों का ही खंडन किया। दैट दीज टू आर नॉट राइट वे ऑफ डूइंग इट। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित समूह कारक बुद्धि सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थियरी हमने पिछली की थी, मल्टी फैक्टर थियरी। उससे पहले हमने बिने का कार्य किया था और उससे पहले हमने टू फैक्टर थियरी की थी। एकल कारक एवं द्विकारक की प्रति आलोचना के रूप में आया था। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि ना तो किसी एक योग्यता को, ना दो योग्यताओं को, और ना ही अनेक योग्यताओं को दर्शाती है, बल्कि यह सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों को दर्शाती है। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई एक प्रकार की एबिलिटी या कोई दो प्रकार की एबिलिटी या कोई मल्टी टाइप्स ऑफ एबिलिटीज यानी कि मल्टी फैक्टर्स डज नॉट प्ले रोल इन इंटेलिजेंस, बल्कि इंटेलिजेंस में सारी चीज़ें एक साथ मिल करके काम करती हैं एक समूह में, तब जा करके आप इंटेलिजेंट वर्क करते हैं। साधारण तरीके से बोलें तो अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आप भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं उसको लिखने के लिए, समझ का भी प्रयोग कर रहे हैं उसको करने के लिए, और अगर वहाँ पे अगर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है तो, और उसमें अगर एक ट्रायंगल की आपको भुजाओं को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पेशल यानी कि स्थैतिक समझ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। लुई लियोन थर्स्टन केवल इतना ही नहीं थे जितने की हम बात कर रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा थे, और लास्ट तक जाते जाते आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करती हैं। इन एबिलिटीज़ को समूह में काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारी एबिलिटीज़ हर बार काम करें, पर कुछ एबिलिटीज़ एक साथ मिल करके समूह बना लेती हैं और उससे आप इंटेलिजेंट वर्क करते हैं। तो इन्होंने यूनिफैक्टर और टू फैक्टर का या मल्टी फैक्टर का इनका आलोचना करते हुए स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद एल एल थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की और स्पीयरमैन के सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचकों में से थे इनके। लेकिन इन आयामों में से कुछ सहसंबंध के मिलने के कालांतर में जी फैक्टर को महत्व मिला और थर्स्टन द्वारा दी गई स्पीयरमैन की आलोचना का महत्व घटा। कारण क्या है? कारण ये है कि आप जब भी मल्टी फैक्टर या फिर ग्रुप फैक्टर को यूज करेंगे, इनमें आपको एक कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, जिसकी बात लोगों ने की कि वो क्या है, वो है जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर। और अगर जनरल फैक्टर है ही तो जहां से ये थियोरी की जेनेसिस होती है चार्ल्स स्पीयरमैन की आलोचना से, वो तो सही प्रूव हो जाता है कि देयर इज जी फैक्टर। और अगर जी फैक्टर है, थैंक यू समी, अगर जी फैक्टर है तो फिर आपने ये थियोरी इतनी बड़ी फैलाई क्यों, इतना बड़ा रायता क्यों फैलाया? इसलिए फिर इनको महत्व कम मिला और महत्व बढ़ गया फिर से स्पीयरमैन का। दे ऑल क्रिटिक ऑफ वन अनदर्स थियोरी बेसिकली, नहीं केवल क्रिटिक नहीं, उनकी एक दूसरे की थियोरी एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। थर्स्टन के बाद ही ये कहा जाना चालू हो गया कि अगर आप इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं तो आप दो रूपों में काम कर सकते हैं, या तो आप माप सकते हैं बुद्धि को, और अगर आपने मापा तो आप कहीं ना कहीं चार्ल्स स्पीयरमैन को सही कहेंगे, और अगर आपने मापा नहीं तो फिर आप कहेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन गलत था। यानी कि दो ही तरीकों से काम हो सकता है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए लेकिन आप चार्ल्स स्पीयरमैन को बुद्धि के परीक्षणों में नकार नहीं सकते। यही जेपी गिलफर्ड की लाइन थी, राइट तो आप इसको समझ लीजिए कि इस काम के कारण चार्ल्स स्पीयरमैन के काम को और ज़्यादा महत्व मिल गया, जो कि बीच में कम हो रहा था अन्य थियरीज के आने से। प्रत्येक ऐसे समूह, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी क्या है, प्रत्येक ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक यानी फैक्टर होता है जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, जो उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, ये है जी फैक्टर। और लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी का, इस्तेमाल मुख्य रूप से हो रहा है, जो कि एस फैक्टर को भी दर्शाता है, जो कि एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। थर्स्टन ने इन कारकों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा। तो बेसिकली उसने इनडायरेक्टली जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों को ही सही बता दिया, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस में तो उन्होंने काम इसी तरीके से कहा। नहीं, फैक्चुअल फादर जो हुआ वो हुआ डाल्टन, क्योंकि सबसे पहले जो इंटेलिजेंस को इंटेलिग्रे से डिकोड करने का काम किया वो गाल्टन ने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। खैर, लेकिन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ 56 डिफरेंट टेस्ट, कितने 56 टेस्ट किए थे। ये जो टेस्ट है यही कहते हैं, इसी के बाद में साइकोमेट्रिक में एक फादर फिगर माने जाने लगे थे थर्स्टन। तो लगभग 56 मेंटल एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के 56 टेस्ट के द्वारा मेंटल एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के बाद इट इज़ प्रपोज दैट देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, और यहाँ से आया पी मैट। क्या आया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इस सिद्धांत का दूसरा नाम प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, जिसे PMAT थियरी या PMAT टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो क्योंकि ये टेस्ट से ही आया था, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग, एसोसिएटिव मेमोरी, स्पेशल विजुअलाइजेशन और परसेप्चुअल स्पीड, ये 7 मेंटल एबिलिटीज बताई गई थी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई गई थी जिनके द्वारा आपकी इंटेलिजेंस काम करती है, जिसमें सबसे पहले थी संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि जो आपने गणना की है उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी कितना सही है, सॉल्विंग सिंपल एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मेजर्ड बाय एरिथमेटिक कंप्यूटेशन लाइक स्पीड टेस्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसने की? संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में इट वाज डन बाय थर्स्टन। इसके बाद आती है शाब्दिक या वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जहां पे बात आती है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की, तो आप कितना समझ पाते हैं, जो रीडर हैं, राइटर हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल एनालॉजीज एंड कॉम्प्रीहेंड रीडिंग पैसेजेस। तो अच्छे राइटर्स, अच्छे रीडर्स, अच्छे थिंकर्स, अच्छे क्या कहते हैं उसको, वक्ता और श्रोता दोनों ही इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी यानी स्पीकर, और स्पीकर के साथ आप इसमें किसको याद रखेंगे? स्पीकर के साथ आप याद रखेंगे इसमें वो क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन शामिल होंगे। तो एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स एंड वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को मैनिपुलेट और वर्ड्स को मैनिपुलेट करने वाले, मेजर्ड बाय टेस्ट सच एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ वर्ड बिगिनिंग विद पर्टिकुलर लेटर और कॉम्प्लीशन ऑफ वर्ड। आपसे इसका भी एक टेस्ट लिया जाता है, जो आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसके अंदर आपके शब्द प्रवाह का भी टेस्ट होता है, जब आपसे सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं। तो जो सिनोनिम एंटोनिम पूछने की गतिविधि है, वो आपका शब्द प्रवाह चेक किया जाता है, राइट। तो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेजेस, ये सब आएगा आपका शब्द प्रवाह में, और कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा वो आएगा वर्ड कॉम्प्रिहेंशन में। इसके बाद आता है तार्किकता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी, जो आपका रीजनिंग का टेस्ट होता है, अगर आप बात कर रहे हैं किसी दिशा की, दिशा को पहचानना या कोई फिल करना या फिर किसी चीज़ का कारण देना, बेसिकली तर्क करना, किसी भी स्तर पे जो तर्क दिया जाता है, एबिलिटी टू सॉल्व एरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग प्रॉब्लम, ये सब शामिल होती हैं आपकी तार्किकता में यानी रीजनिंग में। इसके बाद आती है स्मृति यानी एसोसिएटिव मेमोरी, जिसमें कि एबिलिटी टू अक्वायर जनरलाइजेशन स्पेसिफिक टू जनरल समझने के लिए आप जब एसोसिएटिव मेमोरी यानी कि जो कनेक्शनिज्म था, कनेक्शनिज्म यानी थॉर्नडाइक, उसकी बात यहाँ होती है। साधारण तौर पर कहीं ना कहीं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था इन्होंने अपनी स्मृति यानी एसोसिएटिव मेमोरी से, और एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स इन पेयर्स, पेयर्स में सोचना। ये जो पेयर्स है, इसी पे बाद में काम करके और चंकिंग की बात की गई थी। तो चाहे मिलर का काम हो या फिर टोलविक का सिमेंटिक का काम हो, उसमें बहुत रोल रहा किसका? थर्स्टन के प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का। इसके बाद आती है स्थानिक यानी स्पेशियल विजुअलाइजेशन। बहुत सारे लोग जिन्होंने कि अभी तक लुई लियोन थर्स्टन को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन गार्डनर को ठीक से पढ़ा है, वो गार्डनर से इसको मैच कर पा रहे होंगे। काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट वही कॉज इंट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व में उनका आर्टिकुलेशन एंड लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। बट यस, इनको इंटरपर्सनल में भी काउंट करते हैं। हाँ जी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के रूप में देखा जाता है। स्पेशल एजुकेशन की क्लास आप कब लेंगे? कल लेंगे या कि रात में 8 बजे, आज शाम में 8 o'clock लेंगे। सबका सेशन होना है, इसीलिए मैंने एक बार एक्स्ट्रा सेशन नहीं लिया। तो खैर, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एबिलिटी टू डू थिंग्स सच एज मेंटल रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप रोटेशन करते हैं ऑब्जेक्ट का, बेसिकली जो पायलट होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे कोई चीज़ देखने की बात आती है जो वहाँ पे ना हो, कुछ एक नया क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसे थर्स्टन ने कहा है स्पेस फैक्टर। सीधा पूछा जाएगा स्पेस फैक्टर एनालिसिस किसने किया था, स्पेस फैक्टर एनालिसिस किसने किया था, या फिर स्पेस फैक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। स्पेस फैक्टर का कॉन्सेप्ट दिया है लुई लियोन थर्स्टन ने। ये एक हाइपोथेसाइज्ड एबिलिटी थी, तो इसको परिकल्पना बनाई गई थी, प्रपोज्ड बाय लुई लियोन थर्स्टन इन 1938, दैट अकाउंट्स फॉर सम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द कैपेसिटी टू परसीव एंड रीजन। जब हम परसीव और रीजन की बात करते हैं, यानी कि धारणा बनाना और तर्क करना, ये दोनों चीज़ें जैसे ही हम बात करते हैं तो ये फैक्टर सीधा रिलेट हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मैथमेटिकल एबिलिटी। तो अगर आप इस विजुअल स्पेशल की बात करें तो विजुअल स्पेशल जो एबिलिटी है वो स्पेस फैक्टर से आती है, जो कि मैथमेटिकल एबिलिटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दर्शाती है। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर एग्ज़ाम रूम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पूरे रूम के अंदर एग्ज़ाम रूम में सिर्फ आप होंगे जो कि इसका आंसर कर रहे होंगे, कोई और इसका आंसर शायद ही कर पाए आपके लेवल पर तैयारी करके। तो मेजर्ड बाई सच एज मिरर इमेज क्वेश्चंस, वाटर इमेज क्वेश्चंस एटसेट्रा। जब ये तर्क करना होता है तो ये सब किस में आता है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में या एबिलिटी में आता है। और लास्ट आता है प्रत्यक्ष संबंधी, यानी कि परसेप्चुअल स्पीड। कभी कभी केवल क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में नहीं है शामिल थर्स्टन की। तो आपको ये 7 फैक्टर याद रखने होंगे। एबिलिटी टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रूफ रीडिंग, या फिर रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू फाइंड द डिफरेंस। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, परसेप्चुअलिटी में आती हैं। यानी कि इसके लिए ज़रूरत होती है आपको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की। इसे आप कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ऑफ स्टर्नबर्ग और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ऑफ या मैकेनिकल इंटेलिजेंस ऑफ थॉर्नडाइक, उससे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये 2 पजल्स के बीच में आपको अगर इमेजेस के बीच में अगर डिफरेंस ढूंढने के लिए कहा जाए, जो पहले न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस आते थे, तो ये किस तरीके का है, ये एक परसेप्चुअल स्पीड को जांचने का एक टेस्ट है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें समझ लेते हैं जो कि काम किया था लुई लियोन थर्स्टन ने। और ध्यान रखिएगा, थर्स्टन यानी कि लुई लियोन थर्स्टन ने, जो कि यूएस साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने साइकोमेट्रिक में जो हमने बात की कि एक लैब बनाई जिसके कारण उन्हें फादर फिगर भी माना जाता है, उनकी वाइफ थेल्मा ग्विन थर्स्टन, याद रखिएगा थेल्मा ग्विन थर्स्टन, जो कि उनसे काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहीं। थेल्मा ग्विन थर्स्टन एक बहुत A ग्रेड साइकोमेट्रिशियन थी, यानी कि दुनिया की टॉप नॉच महिला साइकोमेट्रिशियन में जब बात होती है, चाहे थॉमसन की बात हो, चाहे हॉवर्ड की बात हो, या फिर किसी भी अन्य थिंकर की बात हम कर रहे हों, उसमें सबसे शुरुआती नाम में आता है थेल्मा ग्विन थर्स्टन। और थेल्मा ग्विन थर्स्टन का प्रेजेंटेशन इतना नहीं था क्योंकि वो काम किया करती थी लुई लियोन थर्स्टन के साथ। तो आप अगर लुई लियोन थर्स्टन का कोई भी साइकोमेट्रिशियन वर्क जानते हैं तो बेसिकली उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी वो थी थेल्मा, जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो ही डेवलप्ड विद थेल्मा, ही डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड द एग्जामिनेशन दैट वाज द फोर रनर फॉर द स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। जो आज की डेट में स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट होता है, उस स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट को थेल्मा ग्विन थर्स्टन ने लुई लियोन थर्स्टन के साथ मिलकर के तैयार किया था। ही फर्दर डेवलप्ड द स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस, जो मल्टी फैक्टर एनालिसिस, यहाँ पे याद रखेंगे आप, मल्टी फैक्टर एनालिसिस का जो तरीका था वो भी इन्होंने चालू किया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को ढूंढने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्स्टन एटीट्यूड स्केल, जिसे आप थर्स्टन स्केल कहते हैं या फिर एटीट्यूड स्केल कहते हैं, वो थर्स्टन द्वारा बनाया गया था एंड इट इज ओरिजिनली नोन एज थर्स्टन एटीट्यूड स्केल। इसे डायरेक्ट एटीट्यूड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट एटीट्यूड मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला साइकोमेट्रिशियन टेस्ट, जिसे थर्स्टन एटीट्यूड स्केल कहा जाता है, that involves generating a large set of statements designed to reflect varying level of negative or positivity towards an attitude object. कोई भी एक चीज़ है, कोई attitudinal object है, उसके प्रति आपको एक positive या negative state बताने के लिए कहा जाता है और उस स्ट्रक्चर के थ्रू ये जांच की जाती है कि आप इसके प्रति कैसा एटीट्यूड रखते हैं। एक ग्रुप ऑफ जज, फिर कुछ ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है जिसमें कि कुछ जजेस होते हैं, वो जजेस आर देन आस्क्ड टू रेट हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव ईच स्टेटमेंट इज। फिर ये देखा जाता है कि कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव है सभी स्टेटमेंट्स, यूजुअली ऑन ए 9 to 11 पॉइंटर स्केल, 9 से 11 पॉइंटर स्केल में। अगर हम बात करें कि इसके लिए लिकर्ट ने जो यूज़ किया है वो 5 पॉइंट स्केल यूज़ किया है, लिकर्ट ने जो यूज़ किया है वो 5 पॉइंटर स्केल यूज़ किया है। 9 पॉइंटर स्केल, जिसे स्टैनाइन स्केल भी कहते हैं, सो स्टैटिस्टिकली 9 पॉइंटर स्केल यूज़ किया जाता था या 11 पॉइंटर स्केल। द सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन ऑफ द जजेस, याद रखिएगा सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मोड मीडियन एंड डिस्पर्जन ऑफ जजेस, डिस्पर्जन यानी डिविएशन बेसिकली, रेटिंग फॉर ईच स्टेटमेंट आर कंप्यूटेड, और जिसमें डिस्पर्जन सबसे कम होता है एंड द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विद लो डिस्पर्जन इज सिलेक्टेड, जहाँ पे सबसे कम डिविएशन हो और जो मीन स्कोर के सबसे नज़दीक हो उसी को एवरेज स्कोर के रूप में सेलेक्ट कर लिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड थर्स्टन एटीट्यूड स्केल। तो थर्स्टन एटीट्यूड स्केल या थर्स्टन के द्वारा दिया गया मल्टी फैक्टर स्टैटिस्टिकल स्केल या फैक्टर एनालिसिस स्केल, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में देने के लिए, और इन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को हम जब साथ में यूज़ करते हैं तो ये ग्रुप फैक्टर के रूप में काम करती है। दैट वाज द थियरी ऑफ लुई लियोन थर्स्टन, जो कि प्रपोज की गई थी 1946 में और दुनिया भर में मानी जाती है। बहुत सारी आलोचनाएं हैं इसकी और इसको बहुत हद तक कंपेयर किया जाता है चार्ल्स स्पीयरमैन से, लेकिन इन सब के बावजूद इसका एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि आगे आने वाले थिंकर्स, जिनमें कि खास करके हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत को आप बिल्कुल मैच करता हुआ देखेंगे थर्स्टन के सिद्धांत से। अंतर सिर्फ इतना था कि जहां थर्स्टन का सिद्धांत एक और साइकोमेट्रिक थियरी था यानी कि पूर्ण रूप से मापन पे आधारित है, वहीं हॉवर्ड गार्डनर ने जिस पे काम किया है वो स्केल साइकोमेट्रिक से बहुत दूर है और वो ऑब्जर्वेशनल थियरी के आधार पे है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।